अब यहाँ पे देखो मनीषा जी, क्या सोचता आयुष भाई वायर खींच लो मैडम, इधर देखो सामने से आते हैं। मनीषा जी मैं अभी आ रहा हूँ, एक मिनट अरे तो कभी और ये जरा इससे पहले का दो घंटा पूरा वसूल कर लिया सर। थैंक यू मनीषा जी, मनीषा जी मनीषा जी कुछ अपकमिंग तो मेरा अभी एक सॉन्ग आ रहा है 6 मई को, रिलीज होने वाला है, बहुत अच्छा सॉन्ग है वो, देखिएगा। और बाकी एक दो शो का बात चल रहा है वो भी देखिएगा सर। हम तो मेरे पिताजी लोग ज्यादा, एक सेकंड एक सेकंड कांच खोलो, कांच खोलो नीचे थोड़ा आता है नीचे हम लोग वैसे भी धूप में बहुत खड़े होते हैं, बहुत देर से खड़े हैं। अरे भाई केवल ब्रेक पीछे चलो रोल मुझे पता चला कि लास्ट टाइम आप लोग मेरा बहुत इंतजार कर रहे थे और हम लेट आए, उसके लिए सॉरी दिल से। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सॉरी प्रीवियस लास्ट टाइम, हां लास्ट टाइम जा रहे हैं झलक निकला जब आप जी चुके, क्या प्यार मिल रहा ऑडियंस से, किस तरीके का प्यार मिल रहा और आगे किस तरीके का प्यार मिला आपको, तो पता ही मेरे फैंस का कि कितना प्यार करते हैं मुझसे वो लोग, और हम सच में बहुत ही लकी है कि मुझे मेरे फैंस इतना प्यार करते हैं और हमेशा प्यार करते हैं। तो और बस अपने आप पे काम कर रहे हैं, एक दो शो का और बात चल रहा है, होपफुली हम चाहेंगे कि और अच्छा अच्छा काम कर रहे हो और अपने फैंस को एंटरटेन करें, आप सबको एंटरटेन करें। मनीष आपने जो हिंट दिया है, खबरें भी ऐसी है कि आप खतरों का नेक्स्ट सीजन करने वाली है, देखिए अभी बहुत सारी चीज़ों पे बात चल रही है, लेकिन जब तक एक बार कंफर्म ना हो जाए तो हम अभी हाँ बोलना या फिर ऐसे बोलना अच्छी नहीं है। मे भी क्या हो, कुछ डन हो ना हो, तो जब होगा तो पता चल जाएगा आप लोग। और ऐसी भी न्यूज़ थी कि आप बिग बॉस OTT सीजन 3 में आप मेंटर बनने वाले हो। नहीं नहीं, ये आई थिंक ये सही नहीं है, क्योंकि ये बात मेरे तक तो अभी नहीं आया, मे बी मेरी एजेंसी तक गया होगा, क्योंकि पहले उसकी उनके तक बात जाती है, फिर फाइनल हो जाता है हम लोग तक पहुँचता है, तो फिलहाल तो अभी मुझे नहीं पता उसके बारे में। और डिबेट इस बात की भी चल रही है ट्विटर पर कि मेंटर्स यूजुअली जब भी रियलिटी शोज पर आते हैं उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता है, और सॉरी कंटेस्टेंट्स को ड्यू क्रेडिट नहीं दिया जाता है और मेंटर्स जो है वो अपना क्रेडिट लेके चले जाते हैं। कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं मेंटरशिप में रियलिटी शो पर? पर मुझे लगता है कि मैं, मुझे ये पता ही नहीं कि कभी बिग बॉस में से मेंटोर्स आते थे क्या, मतलब मैंने आज तक जो भी सीजन देखा उसमें तो मैंने नहीं देखा, और अगर इस बार आ रहे हैं तो मे बी मुझे लगता है जो कंटेस्टेंट में बात होगा, क्योंकि बिग बॉस में तो ऐसा होता है ना कि इंडिविजुअल लोग गेम खेलते हैं और लोगों को पसंद आते हैं, तो चाहे मेंटोर को इस मिलना चाहिए, लाइक क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन जो कंटेस्टेंट है अगर वो अच्छा खेलेगा तो डेफिनेटली लोग उसको पसंद करेंगे, तो क्रेडिट तो मिलेगा ही। मैम लास्टली फैंस ऑडियंस के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो आपको इतना सारा प्यार दे रहे हैं? मेरे फैंस को यही बोलेंगे कि आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो और ऐसे ही हमेशा प्यार करते रहिए,
कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, और मनीषा रानी आप लोग को हमेशा एंटरटेन करेगी और प्यार करेगी। आपका गाना आ रहा है उसके बारे में? मेरा गाना आ रहा है, 6 मई को रिलीज हो रहा है और बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा सॉन्ग आ रहा है अमित दुशाना के साथ, पार्टी सॉन्ग है और मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आने वाला, और इसमें आपको मनीषा रानी का डांस लटका झटका सब देखने मिलेगा और बहुत मज़ेदार सॉन्ग है, तो देखिए। और